यततो हि यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की समाधि दशा का और व्युत्थान दशा का और भाषण का ठीक ठीक वर्णन किया। निवृत्ति दशा का जब उसके वर्णन किया तब ये प्रश्न उठा कि ऐसी निवृत्ति तो अज्ञानी भी कर सकता है, तो उसके निराकरण के लिए उन्होंने बताया कि अज्ञानी मन को चुप तो कर सकता है, तुष्णीम भाव तो उसको हो सकता है, परंतु मन के तुष्णीम भाव से राग की निवृत्ति नहीं होती और स्थित प्रज्ञ में राग भी नहीं होता है। यह सर्वत्र न विस्मय तत्प्राप्ति सुबह सुबह, वो तो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, दुनिया के विषयों में उसका राग कहां। तो अब ये प्रश्न सामने आया कि परमात्मा की प्राप्ति के बिना, परमात्मा के दर्शन के बिना तो राग की निवृत्ति नहीं होती, और राग की निवृत्ति हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो कैसे करना चाहिए। एक प्रश्न तो ये उठा कि फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तब राग द्वेष अपने आप ही मिट जाएंगे, इसलिए पहले राग द्वेष को मिटाने के लिए प्रयास न करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करें, यह सिद्धांत प्राप्त हो गया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्योंकि निस्संकल्प होने से, निर्विषय होने से और निस्संकल्प होने से और निर्विचार होने से, यहां तक कि अस्मिता रहित होने से भी राग की पूरी पूरी निवृत्ति नहीं होती। राग की पूरी निवृत्ति तब होती है जब तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। परमात्मा का नित्य प्राप्त परमात्मा जो अविद्या के कारण अप्राप्त मालूम पड़ रहा है, उस अप्राप्ति भ्रांति के मूल कारण अविद्या की निवृत्ति होने पर ही राग की निवृत्ति होगी। तो और अविद्या की निवृत्ति होगी स्थित प्रज्ञ होने से, ज्ञान होने से, तो आओ पहले ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करें, ये बात है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान के लिए प्रयत्न करोगे तब भी विघ्न तो आएंगे, तो उसके लिए क्या करना वो उपाय हमसे पूछ लो, ये बात है। देखो असल बात ये है कि जब आदमी ज्ञान ध्यान करने चलता है तब उसके जीवन में चार प्रकार के विघ्न आते हैं। एक तो बैठे ध्यान करने और सो गए, नींद आ गई, तंद्रा आ गई, इसको लय दोष बोलते हैं। कई लोग तो सत्संग में जहां लाउड स्पीकर बोलता रहता है वहां सो जाते हैं, तो वो अकेले में बैठ के और आंख बंद करके और बिल्कुल झुक के
जब बैठेंगे तब उनको नींद आ जाए तो क्या आश्चर्य है। तो इसको लय दोष बोलते हैं। तो जब तक अपने ज्ञान ध्यान में लय दोष आवे, आपको बताया था हमारे बाबा के पास एक महात्मा रहते थे, तो वैसे मोटा तो मैं भी हूं पर वो कुछ ज्यादा मोटे थे, नाटे भी थे मोटे भी थे, तो उनका पेट जो है वो बड़ा भारी लगता था। तो वो जब बाबा के सामने ध्यान की ज्ञान की चर्चा होती तो अपने पेट का थोड़ा सा सहारा ले करके सो जाते थे और घर घर नाक भी चलती और मुंह से पानी निकल के पेट पर बहने लगता। महात्मा थे हो, मैंने बेश वाले महात्मा तो थे ही। तो बाबा बीच बीच में पूछते कि क्यों सो गए, तो बोलते ना महाराज समाधि लग गई थी। अब मुंह से पानी भी बह रहा है, नाक से गरगर भी हो रहा है और कह रहे हैं एक ही समाधि लग गई है। देखो समाधि में सांस बढ़ती नहीं, मन जब एकाग्र होता है तो श्वास की गति मंद होती है, बढ़ती नहीं। और ये मुंह से पानी निकलने वाला जो क्या काम है ये भी मन की एकाग्रता में नहीं हो सकता। और सिर जो झुक के पेट की तरफ चला जाता है ये भी ध्यान की दशा में नहीं हो सकता। क्यों? कि ध्यान की दशा में तो सत्व का संचार होता है, तम का नहीं। और ये सब तो तमोगुण के लक्षण है। तो लय दोष से बचने के लिए मनुष्य को जीवन में धर्मात्मा होना जरूरी है। धर्म रूप जो साधन है ना, संध्या वंदन ठीक समय से प्रातः काल उठ रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, सिले हुए कपड़े शरीर पर नहीं है, थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंड लगती है, थोड़ा आचमन भी करते हैं, थोड़ा मार्जन भी करते हैं, थोड़ा प्राणायाम भी करते हैं, हैं? अब वो आराम कुर्सी पर लेट के जब ध्यान करने लगे हाँ तो थोड़ा घर घर हो जाए तो क्या आश्चर्य है ना। और खरखराहट जो है वो आ जाती है। तो ताजगी लाने के लिए स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन से बैठना जरूरी है। पीठ की रीढ़ सीधी रहे, आंख चाहे प्रतिपद दृष्टि हो या खुली हो, अमा दृष्टि हो बंद हो, पूर्णा दृष्टि हो खुली हो, लय दोष की निवृत्ति के लिए बहिरंग साधन की, बाह्य साधन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब दूसरा दोष है विक्षेप। तो विक्षेप दो तरह का होता है, एक सकषाय और एक निष्कषाय। तो कषाय क्या है? रंग, कसैलापन। तो वो क्या कि राग द्वेष से किसी की ओर मन जाता है कि बिना राग द्वेष के जाता है? तो राग द्वेष रूप दोष को निवृत्त करने वाली है उपासना। जब परमेश्वर की भक्ति होगी तब अंतःकरण में जो राग द्वेष की मैल लगी है वो छूटेगी। हो तो ये उपासना दो तरह की होती है। त्वम पदार्थ प्रधान उपासना को अहंग्रह उपासना कहते हैं और तत्पदार्थ प्रधान साकार उपासना को प्रतीक उपासना कहते हैं। और निराकार उपासना जो है का वो चिंतन रूप उपासना है। ये राग द्वेष को निवारण करने वाली है। अब यदि बिना राग द्वेष का मनोराज्य होता होवे तो वो योगाभ्यास के द्वारा दूर होता है। तो बोले अब तीन दोष की बात हो गई, लय की निवृत्ति धर्मानुष्ठान के द्वारा, राग द्वेष रूप विक्षेप की निवृत्ति अहंग्रह उपासना, प्रतीक उपासना अथवा परोक्ष ईश्वर उपासना इसके द्वारा, और समाधि लगाने से कषाय रहित जो मनोराज्य है उसकी निवृत्ति होती है। ये मैल है चित्त के सब। अब इसके बाद ध्यान में एक दोष आता है, वो क्या है? उसका नाम है रसास्वाद, मजा लेना। तो वेदांतियों के ध्यान में मजा लेना नहीं है, क्योंकि मजा लेने से भोक्ता भाव जो है वो प्राप्त होता है। बड़ा मजा आ रहा है, मजा लेने वाला मैं हूं और आने वाला मजा है, तो ये जो मजा का आस्वादन है ये वेदांत के ध्यान में ग्राह्य नहीं है। भक्ति के ध्यान में तो ग्राह्य है,
परंतु ज्ञान के ध्यान में ये ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वहां तो भोक्तापन जो है वो अविद्या का ही विलास है। इसलिए नास्वादयेत सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत निश्चलत निश्चरत चित्तम एकी कुर्यात् प्रयत्नतः। न चित्त में निश्चरण होवे न निश्चलन होवे। इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल करके जाना तो निश्चरण है, और बाहर तो न जाए भीतर ही भीतर हिले, जैसे दीपक हिलता है तो वो निश्चलन है। तो निस्सरण भी ना होवे और चलन भी ना होवे। आत्मा से भिन्न होकर के चित्त दिखाई भी ना पड़े और भोक्तापन भी ना होवे। तो रसा स्वाद की निवृत्ति कैसे होती है, इसके लिए बताया कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि पर तत्व दृष्टा को पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति ही, यदि परमात्मा का दर्शन हो गया तो रसास्वादन रूप दोष की भी निवृत्ति हो जाएगी। अब बोले कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब रस की निवृत्ति राग की निवृत्ति परमात्मा के दर्शन से ही होगी, तो आओ राग की निवृत्ति के लिए कोई उपाय न करें, परमात्मा के दर्शन के लिए ही उपाय करें। अच्छा, परमात्मा के दर्शन के लिए उपाय करोगे तो उसमें भी तो साधन करना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति के लिए साधन तो करना ही पड़ेगा। ये अपने आप मिटने वाली चीज नहीं है, अनादिकाल से अब तक ये अपने आप नहीं मिटी, तो अब इसको अपने आप मिटने के लिए क्यों छोड़ते हो? बोले अपने आप मिटने के लिए तुम दुनिया में क्या क्या छोड़ते हो? दुकान अपने आप लाभ के लिए छोड़ देते हो, खेती अपने आप लाभ के लिए छोड़ देते हो, का रोग अपने आप निवृत्त के लिए छोड़ देते हो, तब अविद्या सरीखी गंदगी को मैल को बेवकूफी को तुम अपने आप निवृत्त होने के लिए क्यों छोड़ते हो? उसके लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो वो बात आपके ध्यान में होगी ना, ये काम क्रोध आदि जो है ये तो अंतःकरण के मैल है ना, और जो निसंकल्पता है और तदाकारता है ये दोनों अंतःकरण के आकार हैं, है ना। कोई भी आकार आवे, शुद्ध शुद्ध अंतःकरण में कोई भी आकार आवे, तब अंतःकरण साफ साफ मालूम पड़ता है। तो काम क्रोध आदि तो मल दोष है, और संसार में जो घटाकारता पटाकारता आदि है ये क्या है? ये अंतःकरण के आकार हैं। और अविद्या के कारण जो अंतःकरण नाम की परमात्मा से एक अलग वस्तु है ऐसा मालूम पड़ता है, भ्रांति से जो परमात्मा, भ्रांति के कारण जो परमात्मा से पृथक अंतःकरण अपना अस्तित्व रखता है ऐसा जो ज्ञान है, ये ज्ञान का दोष है। वो ये अज्ञान है, ये भ्रांति है। परमात्मा से पृथक अंतःकरण नाम का कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं है, एक है। और जब परिच्छिन्न पदार्थ ही नहीं है तो उसमें तत्तदाकारता भी नहीं है, और जब तत्तदाकारता ही नहीं है तो उसमें मैल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पर क्रम यह है कि पहले मल को मिटाओ, फिर विक्षेप को मिटाओ, और फिर आवरण को भंग करो। तो धर्मानुष्ठान के द्वारा मल का नाश, चाहे वो श्रवण आदि रूप ही क्यों ना हो, वो धर्म के लिए श्रवण भी करते हैं, श्रवण से भी धर्म होता है, उससे मल का नाश, और तदाकार वृत्ति से विक्षेप का नाश, और अपने स्वरूप के ज्ञान से आवरण का नाश। इससे तो अंतःकरण का पृथक अस्तित्व ही भंग हो जाता है। तो जो लोग क्रम से साधन करते हैं वो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, भक्ति से, भगवान की भक्ति करने से राग द्वेष आदि दोष का नाश, और योगाभ्यास करने से अंतःकरण में तत्तदाकारता जो आती है विषयों की, विषयाकारता का नाश, और अपने स्वरूप के ज्ञान से आवरण का भंग नाश। ये सब साधन का क्रम है। अब तुम कौन सा ऐसा साधन करोगे कि राग द्वेष की तो निवृत्ति न होवे और ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अज्ञान का नाश हो जाए? कौन सा ऐसा साधन करोगे? वो कौन सा साधन है कि जिसमें घटाकार वृत्ति तो छूटे नहीं है, और स्त्री पुरुषाकार वृत्ति तो छूटे नहीं,
शत्रु मित्राकार वृत्ति तो छूटे नहीं और अविद्या का नाश हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। अरे ब्रह्माकार वृत्ति भी तो एक वृत्ति है ना, जब घटाकार वृत्ति हटेगी, जब पटाकार वृत्ति हटेगी है ना, तब न ब्रह्माकार वृत्ति होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि साधन के क्रम को जो सीख करके नहीं करते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, सीधी बात यह है। तो आनंद का अनुसंधान करने से कि आनंद का स्वरूप क्या है, संसार में वैराग्य होता है, क्योंकि संसार में आनंद कहीं नहीं है। जब आनंद नहीं होगा तो वैराग्य हो जाएगा अपने आप ही संसार से। आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा है, और अपने चित्त स्वरूप का अनुसंधान करने से संसार जड़ हो जाएगा, तुम असंग हो जाओगे। और जब सदसत का अनुसंधान करोगे तो संसार असत हो जाएगा। तो आनंद रूप का, अपने आत्मा की आनंद रूपता का अनुसंधान करने से दृश्य में वैराग्य, और अपने असंग चित रूपता का अनुसंधान करने से संसार जड़, और उसमें कहीं कुछ राग द्वेष नहीं। और फिर अपने सत स्वरूप अविनाशी दृष्टा स्वरूप देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, ये सजातीय विजातीय स्वगत तीन वस्तु के भेद हैं, और बाहर भीतर और बीच ये देश का भेद है, और पहले पीछे वर्तमान ये काल का भेद है। तो काल के भेद से रहित, पहले पीछे अब के भेद से रहित, बाहर भीतर अंतराल के भेद से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत के भेद से रहित, वस्तु भेद से रहित, अद्वितीय। जब आत्मा का चिंतन होता है ना, तो आत्मा के सिवाय सत दूसरा कोई नहीं है, इसलिए प्रपंच बाधित हो जाता है। तो आनंद स्वरूप का विरोधी दुख है, चित स्वरूप का विरोधी जड़ है, और सत का विरोधी असत है। परंतु असत तो कुछ है ही नहीं, तो वो विरोध क्या करेगा। इसलिए आनंद का विरोधी दुख नहीं है, चित भाव का विरोधी जड़ भी नहीं है, और सत का विरोधी असत भी नहीं है। असत तो कहते ही उसको है कि जो ना हो, ये साधन की प्रणाली। बोले भाई, हम राग द्वेष को दूर किए बिना ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, तो देखो उसमें क्या विघ्न पड़ता है वो बताते हैं, और उस विघ्न को कैसे दूर करना चाहिए, इसके लिए ये दो श्लोक इकट्ठे हैं। ये इंद्रिय वशीकार मूलक स्थित प्रज्ञता इसको बोलते हैं। इंद्रिय वशीकार जततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यतेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। डरो मत, थोड़ा इंद्रियों को वश में करो और परमात्मा का दर्शन करो, तब राग की जड़ जो है वो नष्ट हो जाएगी। और इंद्रियों को वश किए बिना तो ज्ञान ही नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो राग कहां से मिटेगा। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तब प्रपंच का मूल जो है वो कट जाएगा। तो इंद्रियां कैसे विघ्न डालती हैं वो बताते हैं। तो उनपे यो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला मेरा प्यारा प्यारा अर्जुन, कौन्तेय तुम्हारी बुद्धि तो प्रशंसा करने योग्य है। कैसे बोले, तुमने ये प्रश्न कर दिया ना कि फिर परमात्मा को ही प्राप्त करें, राग मिटाने कौन जाए। बोले कुंत सरीखी तुम्हारी बुद्धि है, तो तुमने बढ़िया बात कही, परंतु जब विपश्चित पुरुष प्रयत्न करने के लिए चलता है, अब यहां विपरीत शब्द का अर्थ है अधिकारी नहीं है, विरक्तस्य मोक्षाधिकारिणों की, जो विरक्त है और मोक्ष का अधिकारी मुमुक्षु पुरुष है। बोले चाहता तो हो मोक्ष, लेकिन समझ कुछ न हो, तो बोले विपश्चिता समझदार भी हो। विप्रकृष्टम पश्यति चिनोति चिंतयति चेतति इति विपश्चित तत्व विपश्चिता। जो दूर की कौड़ी ले आवे, दूर की चीज को देख ले, दूर की चीज को समझ ले, दूर की चीज को प्रकाश दे, उसका नाम विपश्चित है। सुन ले, जो दूर दूर की चीज को सुन ले उसका नाम विपश्चित, पर जो कामी है वो विपश्चित नहीं है। ये बात आप पहले सुन चुके हैं। यामिमां पुष्पिताम वाचम प्रबदन्ति अभिपश्चितः, जो कामी है वो तो अभिपश्चित है,
और जो निष्काम है सो विपस्थित है। तो ये मुमुक्षु मोक्ष का भाजन है और निष्काम है और भाई प्रयास भी कर रहा है, ईमानदार की बात कर रहे हैं, बेईमान की नहीं। यततः माने यतमानस्य, ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में बेईमानी नहीं चलती। संसार राजा के दरबार में बेईमानी चल सकती है, सेठ के दरबार में बेईमानी चल सकती है, अदालत में बेईमानी चल सकती है, लेकिन ईश्वर तो अपनी अंतरात्मा है ना, अपने साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जागृत स्वप्न की संधि में बैठ करके आप अपना निरीक्षण करो कि आप ईमानदारी से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हो कि कहीं उसमें है कुछ भला। हमको एक अफसर ने बताया कि जब हमको मुजरिम से कोई जुर्म कबूल करवाना होता है, माने जब हम अपराधी से उसके अपराध की स्वीकृति लेना चाहते हैं, तो 10-11 बजे रात के बाद हम उसको अपने पास बैठाते हैं। हम तो खुद दिन में सो लेते हैं, और रात को 11 बजे 12 बजे उसको लेके बैठते हैं और डांटते हैं और फटकारते हैं और भय दिखाते हैं और लालच भी दिखाते हैं। तो वो तो दिन भर का थका मादा रहता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जब उसको खूब नींद आने लगती है और मन की पकड़ जब उसकी ढीली पड़ जाती है, कहता है भाई कैसे भी चलो कबूल करके सो जाएं, आराम तो मिलेगा। उसके मन में ये आता है कि अच्छा स्वीकार करके ये झगड़ा काटो और कबूल करके सो जाएं। तो 2-3 बजे रात तक वो स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। वो मनोवैज्ञानिक रीति से लोगों से अपराध स्वीकार कराने का काम करते हैं। तो ये जब आदमी जागृत और स्वप्न की संधि में, नींद तो अभी आई ना हो और जागृत का घोटाला कम हो गया हो और नींद टूट गई हो और अभी व्यवहार मन में आया ना हो, वह सुप्त प्रबोधयो संधौ आत्मनो गतिमात्मद्रिक, सुषुप्ति और जागृत की संधि में मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में ईमानदारी से चल रहे हैं कि हमारे भीतर बेईमानी समाई हुई है। बोला आदमी की पहचान कैसे होती है, वो क्या करता हुआ सोता है और क्या करता हुआ जाग के क्या करता है, तत्काल उसके मन में क्या आता है, जागते ही पहले किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है, गुरु की याद आती है, शास्त्र की याद आती है, वेदांत की याद आती है। ठीक नींद टूटी तो कौन सी चिंता पहले तुम्हारे मन में आती है, और सोते हो तो क्या सोचते हुए सो जाते हो, इसको 10-5 दिन अनुभव करके देखो, तब तुम्हारे मन की जो पोल पट्टी है ना वो तुम्हारे सामने आवेगी। क्या परमात्मा की याद करते हुए सोते हो, क्या परमात्मा की याद करते हुए जागते हो, कौन सी चिंता है जो तुम्हारे मन पर हावी है। तो यततो हि अपि यतमानस्यापि, वैसे तो लौकिक संस्कृत में यतमान शब्द ही ज्यादा चलता है, आत्मनेपदी धातु होने से यतते इति यतमानः। बोले कोई बात नहीं है, यतति से भी यतन बना लें। तो यततो हि अपि, जो प्रयत्न कर रहा है कि हमको परमात्मा का दर्शन होवे और मुमुक्षु भी है और समझदार भी है, अपनी ओर से उसकी कोई खास गलती देखने में नहीं आती है। लेकिन इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ते प्रसभम मनः, ये इंद्रियां झकझोर देती हैं हो जीवन को। इन प्रमाथिनी रग रग नस नस को हिला देती हैं, प्रमथनशीलानी। प्रमाथिनी माने प्रमथनशील हैं, जैसे मथानी लेकर के जब दही में चलाते हैं तो दही के कण कण को हिला देती है मथानी, हैं? वैसे ये इंद्रियां जो हैं, ये साधक पुरुष की नस नस को, एक एक इंद्रिय को, कण कण को, हाथ पांव जीव जबान सबको हिला देती है। एक तरह की सनसनी दौड़ जाती है, सनसनी दौड़ जाती है ये इंद्रियां मन के भीतर, बड़ी भारी बेकली भेज देती हैं। इंद्रियाणि प्रमातिनी प्रमथनंती मथनंती, ये प्रथम मथन है ना इनका,
देखो समुद्र में भी जब प्रथम मथन होता है प्रमाथिनी, प्रथम मंथन में क्या निकलता है समुद्र में, है याद है किसी को? जहर। समुद्र का दूध के समुद्र का पहला मंथन होता है तो उसमें से हलाहल विष निकलता है। ये हमारे हृदय को प्रथम मंथन देने वाली कौन है? इंद्रियां। विषयों का जो इंद्रियों के साथ संयोग है इससे बचना आवश्यक है। जिसके मन में कोई मंथन नहीं है उसके मन में प्रथम मंथन उत्पन्न करके ये विषयाभिमुख कर देती हैं। विषय माने विषम जाति, विषम याति, यापयति, प्रापयति इति विषयः। जो विष के पास पहुंचाए दे उसका नाम विषय है। विष और या प्रापणे, याति प्रापयति, विषम याति प्रापयति। जो विष के पास पहुंचावे उसका नाम विषय है। निहंति विषमत्तारम, परंतु विष और विषय में थोड़ा फर्क है। क्या कि विष तो उसको मारता है जो खावे, और विषया स्मरण आदपि, और विषय तो याद करने से ही मार देता है। विष खाने पर मारता है और विषय याद करने पर ही मारता है। इसलिए भाई ये इंद्रियां विष देश में पहुंचाने वाली हैं, विषय देश में पहुंचाने वाली हैं, विष देश में पहुंचाने वाली हैं। ले जाती हैं बाहर और मारती हैं भीतर, चोट करती हैं भीतर। पांव को ले जाती हैं बाहर और चोट करती हैं कलेजे में। इनका छुरा बड़ा तेज, इनका छुरा बड़ा तेज। तो निहंत विषमत्तारम विषया स्मरणादपि इंद्रियाणि प्रमाथिनी। ये प्रथम मंथन है इनका। वो जब कभी आवेगा ना, वो मन के लिए भी तो आवेगा ना। प्रमाथि बलवत् दृढ़ चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। कभी वैसा प्रसंग आया तो प्रमाथि शब्द का जो अर्थ है ना वो उसमें से निकलेगा। पर वो तो अकेला प्रमाथि है और ये तो बहुत है महाराज। इंद्रियाणि प्रमाथिनी बहुवचन है ना। बहव्य सपत् नैव गेह पतिम लुनंती। जैसे एक पुरुष की बहुत पत्नियां होए, सौतें होए, हैं, और कोई दुपट्टा खींचे, कोई चोटी खींचे, कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़े कि हमारे घर भोजन करने के लिए चलो। अब वो अकेला पुरुष बेचारा क्या करे, हैं? तो जिह्वई कतो मुमपकर शतिकर ही तरसा। जिह्वा एक ओर ले जाती है, कान एक ओर ले जाता है, आंख एक ओर ले जाती है। जैसे 10 घोड़े किसी के रथ में जुटे हुए हों और वो 10 और अगर रथ को घसीटने लगे तो क्या दशा उसकी होगी, है ना। इसका नाम प्रमथन है। प्रमथनंति इंद्रियाणि प्रमाथिनी। तब ये करती क्या है? बोले हरन्ति प्रसभम मनः। देखते ही रह जाओ टुकर टुकर, ये मन को लूट ले जाती हैं। डाकू हैं, डाकू। हरन्ति का अर्थ है या हरति शब्द का हरन्ति, ये ह्री धातु जो है ना, हरणार्थक। इसका अर्थ है कि आदमी जागता रहे। सोने पर ले जाए सो तो चोर है ना, सोते हुए जो ले जाए सो डाकू नहीं, वो तो चोर। लेकिन सोते पर तो ये छेड़छाड़ ही नहीं करती हैं। इनका ये धर्म है ना। डाकुओं का भी एक धर्म, कहीं इन्होंने अपना धर्म बनाया है कि सोते आदमी के मन को हम नहीं छोड़ते हैं। अच्छा दूसरी तरफ उसका ध्यान होवे तो बोले तब भी नहीं छेड़ेंगे, ठग भी नहीं है, है ना। ध्यान बटा के भी मन को नहीं हरते हैं और सोते समय भी नहीं हरते हैं। तब कब हरते हैं? कि जब आदमी सावधान हो, जाग रहा हो, है ना। हमने तो डाका पड़ते देखा है, 10 आदमी हम लोग बैठ के गप फांक रहे आपस में, देख रहे, और डाकू ले लेके बंदूक और आ गए, बैठे रहो जहां के तहां बैठे रहो, मारने के लिए नहीं आए हैं। ये मंदिर में जो लाखों रुपए का सामान है ना ये हम ले जाएंगे, हम धन के लिए आए हैं, हम साधु को मारने के लिए नहीं आए हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं ये साधन का धन, ये साधन का धन छीन लेती हैं। डाकू हैं, ये चोर नहीं है, ये ठग नहीं है, ये हरंती आंख के सामने प्रसभम। और सो भी आया डाकू और बोले कि देखो हम भाई हमारे पास जो कुछ है तो तुमको दे देते हैं, ले जाओ। बोले नहीं, दिया हुआ लेना डाकू का धर्म नहीं है, हम तो छीन के ले जाएंगे। प्रसभम माने प्रसभम हरंते प्रसभम, प्रसभम माने हठात बलात् जबरदस्ती हट से बल से। प्रसभम माने भरी सभा में हो, पूरा उपसर्ग को अलग करके सभा देखो तब पता निकले उसमें से। प्रसभम माने भरी सभा में।
तो भरी सभा में ये मन को चुरा करके ले जाने वाली है, सावधान तेरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया गास होए। अरे वो बटोही, बटोही माने यात्री, वो यात्री क्यों सो रहा है, तेरी गठरी लूटने के लिए आ गया मुसाफिर, रह न रही अब थोड़ी, जिंदगी के थोड़े दिन बाकी हैं, मुसाफिर रह न रही थोड़ी, जाग जाग सुख नींद त्याग दे, होत वस्तु की चोरी, मुसाफिर रह न रही थोड़ी, अब का सोए सकी, जाग जाग, अब जागो जागो, ये अच्छा तो जाग के क्या करें, जाग तो रहे हैं, ईमानदार मोक्ष को चाहते भी हैं, समझते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, तब भी तो ये इंद्रियां जबरदस्ती हमारे मनी राम को लिए जा रही हैं, परां चिखानि वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। कामान जह कामयते, काम देखो बताते हैं, आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है तो राग जो है वो धोखा न दे, इंद्रियां धोखा न दे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परहा, इसमें इंद्रियों के वश में करने की पूरी युक्ति बता दी है। तानि सर्वाणि संयम्य, एक तो तानि इंद्रिया संयम्य, उन इंद्रियों का संयम करो, जैसे जमराज हाथ में डंडा लेकर के फंदा लेकर के, यम का पास मशहूर है, हो जम का फंदा, जैसे जमराज हाथ में पाश लेकर के और जमदंड लेकर के और पापी पुरुषों का दमन करता है, ठीक इस प्रकार हाथ में डंडा लेकर के इनका दमन करना चाहिए, संयमन करना, जैसे कोई 10 घोड़े को चला रहा हो एक रथ पर बैठ करके और सब घोड़ों की लगाम अलग अलग हो, तो सबकी लगाम अपने हाथ में रख करके संयमन बोलते हैं उसको, जो घोड़ों की बागडोरे हैं ना, उन बागडोरों को उन लगामों को अपने बाएं हाथ में ले करके संयम करना और दाहिने हाथ में चाबुक रखना। ये तो श्री कृष्ण अपना ही दृष्टांत दे के बताते, संयम्य अश्वान संयम्य, जैसे मैं तुम्हारे घोड़ों को, जैसे मैं तुम्हारे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में रख रहा हूं, ऐसे तुम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में कर लो, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्ते सुगोचरान, इंद्रिय जो हैं वो घोड़े हैं, उनको अपने काबू में करो। तो एक तो इंद्रियां जो हैं उनको छुट्टी नहीं देना और किसी इंद्रिय को नहीं देना, ये बताते हैं सर्वाणि का अर्थ ये है, किसी इंद्रिय को। बोले अच्छा भाई, कान से तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, आंख से देखेंगे। कहे तुमको मालूम है तुम्हारे बाप जब बंद कमरे में बैठते हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तो क्या बात करते हैं। बोले राम राम, हमारे गुरु जी ने कहा है कि जब तुम्हारे माँ बाप एकांत में बैठ के आपस में बात करते हो तो उनकी बात मत सुनना, हमको गुरु जी ने मना कर दिया है, हम नहीं सुनते हैं। तो बोले कि अच्छा नहीं सुनते हो तो ठीक है, सुनने को ही मना किया है ना, कहा। तो बोले फिर वो जो छेद दिखा है ना, तो अपनी आंखें से देखा करो, सुनते नहीं हो तो आंख से देख लिया करो, आई बात बनी कुछ। जो बात सुनना ही मना है उसको देखना तो नितांत मना हो गया ना, जो बात सुनना मना है उसको देखना तो बिल्कुल मना है। तो एक इंद्रिय को बंद करोगे और एक को लगाओगे तो जो चीज सुनने से आने वाली थी वो आंख से आवेगी, तुम्हारे मन में क्या आवेगा, कोई अच्छी बात आवेगी। तो ये संसार के जो विषय हैं भाई, इनकी चर्चा सुनो तो कलेजे में घुसें, इनको आंख से देखो तो कलेजे में घुसें, इनको छुओ तो कलेजे में घुसें, और फिर मन में तो ये राग ही द्वेष उत्पन्न करते हैं, कोई शांति और समाधि तो देते नहीं। तुम चलने थे शांति और समाधि, चले थे शांति और समाधि प्राप्त करने के लिए और मन में बसा लिया राग द्वेष। ये इंद्रियां मन का जो हरण करती हैं, लूटती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कलेजे में से निकाल के कहीं परदेश भेज देती हैं, पार्सल कर देती हैं, सो बात नहीं है। जहां मन रहता है वही अशांति, वही राग, वही द्वेष, वही मोह, वही लोभ भर देना, यही तो उनको लूटना है। तो क्या करना, बोले अब दो उपाय बताते हैं। देखो, युक्त आसीत मत परहा, युक्त आसीत और मत परह आसीत,
एक तो बहिरा बाहर की इंद्रियां जो हैं उनको जाने से रोको। हमने देखा एक आदमी कहता था कि स्वामी जी देखने में क्या नुकसान है। बोले ठीक है। थोड़े दिनों के बाद उसने कहा कि देखने में तो खैर मालूम पड़ता है, थोड़ा बहुत कोई नुकसान नहीं है, कोई खास बात नहीं है, बात करने में क्या हानि है। तो बात भी करने लगा। फिर कहा कि आप लोगों के सिर पर तो पापा ही सवार रहता है हर समय, छूने में क्या हानि है? है तो आंख से देखने लगा, मुंह से बात करने लगा, हाथ से छूने लगा। अब बाद वाली बात आप लोगों को सुनाने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बाबा न कुरजात करहिचित सख्यम मनसि यनव स्थिते। जब तक मन स्थित प्रज्ञ नहीं, भागवत का श्लोक है ये, जब तक मन अनवस्थित है माने चंचल है, तब तक किसी के साथ मित्रता नहीं जोड़नी चाहिए। संसार के विषय के साथ दोस्ती नहीं करना। जद विश्रम्भात चिरात चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। इस मन पर विश्वास करने के कारण शंकर भगवान को मोहिनी के पीछे पीछे भटकना पड़ा। छिद्रम ददाति कामस्य तत्तमनुजेरयः। ये मन जो है ये अपने घर में रहने के लिए काम को जगह दे देता है कि हे काम तुम यहां रहा करो, और इसके बाद काम के पीछे चलने वाले जो दुश्मन है सो आ जाते हैं। तो इसलिए सावधानी करना। क्या इंद्रियों के रास्ते से तो इनको भीतर घुसने मत दो, और कहीं भीतर पहले से बैठे हों और निकल आवे तो बोले युक्त आसीत, सावधान रहो। का अच्छा वो कुछ ज्यादा जबरदस्त हो तो बोले पहले से पुलिस को सूचना दे दो। हुई ना ये बात, दरवाजे तो बंद करो। ये तानी सर्वाणी संयम में ये क्या हुआ, दरवाजा दृढ़ता से बंद करना, ताला लगा के रख। और युक्त आसीत माने डंडा लेके हाथ में बैठो, सावधान रहो। और मतपरा माने राजा के पास खबर भेज दो। बोला मतपरा, राजा के पास रिपोर्ट पहले से रहनी चाहिए, अपनी ओर से सावधानी रहने चाहिए, और दरवाजे बंद रहने चाहिए। तीन बात करो तो डाकू तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे। युक्त आसीत मतपरा। तो इसमें से आपको कौन कौन सी बात विस्तार से बता मैं। युक्त आसीत मतपरा, मतपरा का दोनों तरफ से अर्थ है। तत् पदार्थ प्रधान अर्थ भी है और त्वम पदार्थ प्रधान, वस्तु तो एक ही है ना। हो ब्रह्म तत्पद लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म ही है और त्वम पद लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म ही है। तो लक्ष्यार्थ में जहां एकता है वहां किस वाच्यार्थ में उसका चिंतन करें ये आग्रह नहीं होता है। तत्पद वाच्यार्थ में चिंतन करते हैं तो उसका नाम भक्ति हो जाता है, और त्वम पद लक्ष्यार्थ में उसका चिंतन करते हैं तो उसका नाम अहंग्रह उपासना हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। तो मत परह माने अहम वासुदेव ईश्वर परह इष्ट यस्य, जो हम मुझ वासुदेव को ही अपना इष्ट मानता है, मेरे ऊपर भरोसा रखता है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये जैसे राजा को सूचना देना हुआ। और मत परह अहम एव साक्षात परब्रह्म, मैं ही साक्षात परब्रह्म वासुदेव मैं ही हूं, इसमें परायण हो करके निष्ठावान हो करके बैठा हुआ। ये भावना है, बोध होने पर भावना की जरूरत नहीं रहती। सोहम विचारो बपुरात्म भावे सहाय्यकारी परमार्गणस्य। जब तक देहाभिमान होवे तब तक परमात्मा को ढूंढने के लिए सोहम का विचार करना चाहिए। बुद्धे तु तत्वे स पुनर्निरर्थो यथा यथा मनुष्य प्रमितिर नरस्य, यथा नरत्व प्रमितिर नरस्य। जब बोध हो गया, अविद्या की निवृत्ति हो गई, बोले अब दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम अपने को मनुष्य जानते हो तो मनुष्यो हम दोहराते हो या नहीं दोहराते हैं? यथा नरत्व प्रमितिर नरस्य। पर यदि ये भ्रांति होए कि मैं पशु हूं, ये भूल हो गई हो कि मैं पशु हूं, तो जब तक पक्का न हो तब तक मैं मनुष्य हूं ये दोहराओ, और जब पक्का हो जाए तो दोहराने की जरूरत नहीं है।
तो मत्परह का अर्थ है परमात्मनिष्ठ होकर के रहना, भरोसा ईश्वर का रखना, अपने में आत्मस्थिति ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके रहना, आत्मस्थिति त्वम पदार्थ में स्थिति प्राप्त करके रहना और युक्त रहना। अब युक्त रहना क्या है? युक्त आसीत, बैठो, बैठने का ढंग बताते हैं। युक्त आसीत युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भोजन में युक्त, विहार में युक्त, युक्ताहार विहारस्य, ये नहीं कि काम करने लगे तो करते ही गए, ये भी ख्याल रखना कि कल भी करना है तो थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए। हो सोना भी कर्म का ही अंग है, जो सोवेगा नहीं वो आज तो काम कर लेगा लेकिन कल कैसे करेगा। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, समय से जागो समय से सो, तब तुम्हारा साधन फलप्रद होगा। और बोले नहीं अब आ जाई हम, बोले गरियरा बैल, चले तो चले नहीं तो मेड़े उदारे, ऐसे बोलते हैं गांव में कि जो जो काम न करने वाला निकम्मा जो बैल होता है ना, वो जब चलता है तब तो बड़े जोर से भागता है और नहीं तो बैठ जाता है, बिल्कुल चलता ही नहीं है। तो साधन भी गरियरे बैल की तरह नहीं करना चाहिए कि आ जाए 10 लाख जब कर लेंगे तब सोएंगे, नहीं तो फिर 5-6 दिन के लिए बंद हो जाएगा, है ना। और 5,000 करोगे तो कल भी 5,000 होगा, परसों भी 5,000 होगा, ऐसे। तो गरियरा बैल चले तो चले नहीं तो मेड़ उतार दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कायदे से काम करना। अब देखो युक्त की बात आपको बताते हैं। युक्त जो है वो मनुष्य कब होता है? यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, आगे नहीं बोलते युक्त इत्युच्यते। ये देखो अब युक्त का अर्थ पूछने के लिए कहीं डिक्शनरी देखने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। भगवान ने कह दिया कि जब चित्त बिल्कुल विनियत हो करके, विशेष रूप से नियत हो करके आत्मन एवावतिष्ठते, अपने में रहता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तुम्हारा मन कलेजे में रहता है कि कलेजे से बाहर घूमता रहता है? मन का एक गोलक है ना, जैसे पैसा रखने का गोलक होता है, जैसे आंख की जो पुतली है ना उसके रहने का गोलक है, ऐसे शरीर में मन के रहने का भी एक गोलक है। तो जब चित्त तुम्हारा अपना घर छोड़ करके बाहर न जाए और निष्प्रिय सर्व कामे भ्यो, भोग की वासना नहीं है, तब युक्त इत्युच्यते तदा, तब मनुष्य की संज्ञा होती है युक्त, उसका नाम है युक्त। युक्त आसीत मत्परः, ऐसा थोड़ा इससे हल्का बता देते हैं, ये तो थोड़ा भारी मालूम पड़ता है ना, थोड़ा इससे हल्का। शक्नोति हैव जः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। युक्त कौन है? शरीर में से निकलने के पहले, आप लोग इसका जो अर्थ जानते हो अपने मन में रखते हैं, बोला हम इसका जो अर्थ बताते हैं सो सुनो, है ना। शक्नोति हैव जः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम शरीर को छोड़ के बाहर जाता है, शरीर विमोक्षणात् प्राक्, जब तक कामना शरीर से बाहर न निकले, जब तक क्रोध शरीर से बाहर न निकल जाए। गाली देने लगोगे तो क्या हुआ? क्रोध शरीर से बाहर निकल गया। मारने लगोगे तो क्रोध शरीर से बाहर निकल गया। आंख भौ टेढ़ी कर दी तो बोले क्रोध शरीर से बाहर निकल गया। तो शरीर विमोक्षणात् प्राक्, वो शरीर को छोड़ करके बाहर निकले निकले, इसके पहले ही जो काम क्रोध को शरीर के भीतर दबा लेता है, काम क्रोध के वेग को जो दबा लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, पचा लेता है। ये पच जाने पर अमृत हो जाते हैं, हो काम क्रोध उबल के अगर बाहर छलक गए तो जला देते हैं, ऐसी आग है ये कि काम क्रोध अगर बाहर छलक गए तो दूसरे को भी जलावेंगे और अपने को भी जलावेंगे, और भीतर पच जाए तो बोले अमृत हो जाते हैं, रसायन हो जाते हैं इनका नाम, तब उसका नाम क्या होगा? युक्त इत्युक्त है स युक्त स सुखी नरः। युक्त की एक आध बात और बता दें, थोड़ी इससे ऊंची देखो, कर्मण या कर्म यह तस्येत अकर्मण च कर्मजः, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, दिव्य दिव्य दृष्टि है।
चुपचाप बैठे हैं तब भी बैठना रूप कर्म हो रहा है क्योंकि कर्तृत्व है, और हाथ पांव से काम कर रहे हैं तब भी कर्तापन नहीं होने से अकर्म ही है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणित कर्म जहा सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, सब काम करता हुआ भी युक्त है। अच्छा सबसे ऊंचा भी सुना जाए, सबसे ऊंचा युक्त जो गीता में कहा हुआ है, सबसे बड़ा युक्त, अब तो उसमें अकल तो लगानी पड़ती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकांचनः। ये सबसे ऊंचा युक्त ये है बोला, पर यहां तो साधक युक्त का वर्णन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जब हो गया तब उसके लिए स्थित प्रज्ञा प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अब ऐसा जो है युक्त आसीत मत परः, असल में स्थित प्रज्ञ कौन है? तो बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर इंद्रियां तुम्हारे बस में है भाई तो तुम्हारी बुद्धि इज्जतदार है, प्रतिष्ठित है, निष्ठावती है। प्रतिष्ठिता माने निष्ठा वाली है, और नहीं तो बुद्धि जो जानती, तुम्हारी बुद्धि जो जानती है उसी में निष्ठा नहीं रखती है। क्यों? कि तुम्हारी बुद्धि जानती है कि पाप नहीं करना चाहिए, फिर इंद्रियों से पाप करती है, तो अपने ज्ञान में निष्ठावान है, पतिव्रता नहीं है। बुद्धि पतिव्रता कौन है? जो जो पत्नी अपने पति में निष्ठा रखे तो पतिव्रता। तो बुद्धि का पति कौन है? का ज्ञान। बुद्धि का पति है चेतन, ज्ञान स्वरूप जो चेतन ब्रह्म है वही पति है। तो उसमें अगर निष्ठावती है तो जड़ से सटने जाने की क्या जरूरत है? जो बुद्धि जड़ का भोग करने के लिए जाती है वो कुलटा है, और जो बुद्धि चेतन का भोग करती है वो पतिव्रता। तो प्रतिष्ठित बुद्धि कौन है, प्रतिष्ठित पत्नी कौन है? कि जो पतिव्रता पत्नी है सो प्रतिष्ठित है। तो बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इंद्रियां अगर चंचल हैं और बुद्धि उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का भोग करने के लिए जाती है तो वो तो वेश्या है, वो तो कुलटा है, व्यभिचारिणी है, प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित स्त्री कौन है? जो अपने पति के साथ रहती है, जो बुद्धि ज्ञान स्वरूप चेतन के साथ रहती है वो प्रतिष्ठित है, और उसी को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। अब इसमें आठ जो हैं वो विघ्न हैं, स्थित प्रज्ञा प्राप्त होने में आठ विघ्न हैं, क्योंकि विघ्न को जब जानते हैं तब उनके निवारण का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अगले जुगमक में अगला जो द्विक है ध्यायतो विषयान पुंसः, इसमें आठ विघ्नों की चर्चा है। अपने घर में जाके एक आध बार याद आवे तो गिन लेना कि आठ कौन से हैं, है ना। अब उसको हम कल सुना